बहुत हुआ है, हम खुश हैं सर, हम बहुत हुए हैं। हाँ बैठिए। नहीं क्योंकि आपको हमने बताया कि बहुत शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है ना। अच्छा ठीक है, एटलीस्ट देखने में। इनका फोटो वीडियो कहाँ पे है, पहले वाला कुछ है? ये इनका चार्ट सारा को दे दो। कौन ये, कौन है? अच्छा ये तो इनको तो डॉक्टर से मिलना है आज शाम को, कल नहीं मिले, आज मिलेंगे चार्ट सैटरडे को आपको एक बार मिलना, डॉक्टर को मिलने के बाद। हाँ सर, देखो जैसे लास्ट मुझे लास्ट हुआ था तो मेरे को ऐसा फील होता था जैसे लोअर अंदर पुल हो रहा है, टाइट लग रहा है, सेम फीलिंग अभी मुझे कुछ दो तीन दिन से ना हो रहा है, वो स्वेलिंग सही होगा स्वेलिंग की वजह से। देखो टाइट तो रहेगा क्योंकि आपका सब कुछ अंदर था, हमने बाहर खींचा है ना, तो टाइट रहेगा ही, वो धीरे 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 सही होगा, सिक्स मंथ के अंदर अंदर सही हो जाएगा, बीच में ना एकदम नॉर्मल हो नॉर्मल हो जाएगा। आप स्माइल करो, दांत नहीं दिख रहे अभी आपका, फिर भी मैं वो भी सही कर सकता हूँ बाद में, अगर वो सही नहीं होता बाद में आपको पूरा वो लिफ्ट थोड़ा लिफ्ट कर सकते हैं अगर नहीं हुआ तो। वो पुराना भी ठीक हो गया था। अरे नाक काफ़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या होता है ना मैं भूल जाता हूँ हर रोज दो तीन सर्जरी कर करके ना या आपका जो एंगल वैसा था अभी कर बस ये कि ऐसा स्टेबल हमेशा रहेगा ना, क्या होगा फिर ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? नहीं 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 बहुत परफेक्ट रहेगा ऐसे ही। देखो कोई कोई आके ठोक देता है नाक को, नाक को फिर कैसे रहेगा, फिर आके हमको बोलेंगे तीन महीने के बाद डॉक्टर वो अपने आप चला गया। आप उसको ध्यान से देखो ना, कुछ नहीं होता, हड्डी लगाया है पूरा अंदर, कुछ नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल है, उसको दो तीन हफ्ते के बाद जब ये नहाएंगे अपने आप निकल जाएगा पूरा। हाँ ले सकते हो आप आराम से, और साइड में देखो बहुत इम्प्रूवमेंट है साइड में, निकाला नहीं है। हाँ अरे यार ये सब तो कोई भी हमारे डॉक्टर्स भी बता देंगे आपको कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छा है। तो पूरे ब्लेसिंग की आगे भी जरूरत है सर इसको, हाँ चलो टेक केयर। नहीं आप हंस रहे हैं तो आपका दांत दिखता है, आप हंसते तो दांत दिखता है, मेरा दांत दिखता है, इनका ऊपर का दांत नहीं दिख रहा इतना, वही मैं बता रहा हूँ दिख रहा था, लेकिन अब सर्जरी के बाद सूजन के वजह से नाक का चेंज में इनको यहाँ भी अंदर किया सर्जरी मैंने लिप के अंदर, तो अगर वो पूरी तरह से नहीं दिखेगा तो उसको कर सकते सही, यही बताया मैंने। सर नहीं करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है करने के बता रहे हैं बस, वो जरूरी नहीं है, जो करने बाद में एकदम नॉर्मल हो गया था। हाँ बस दिख रहा था ऊपर, अब नोज के वजह से फिर थोड़ा सूजन और टाइट हुआ है, अब नोज को और पूरे खींच के बाद, बिकॉज नोज अंदर था ना पूरा खींचा है बाहर, इसको दिखेगा बट जस्ट बता रहे हैं हमको नॉर्मल लगेगा, कोई किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि इनको कोई प्रॉब्लम था। थोड़ा सा जैसे ये स्वेलिंग फटेगा बहुत, यहाँ पे पूरा स्वेलिंग है, फटेगा तो ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। हाँ ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, थोड़ा ठीक है, जितना है ना हम चाहते हैं सर बस ऐसे ही रहेगा, आप उसको लगाओ मत कुछ भी, इसको टच वन मंथ वन एंड हाफ मंथ केयर ले लो, बच्चे में गोदी में किसी बच्चे को नहीं बिठाओ, बिकॉज सर लग सकता है, नाक को संभालो बस। आप सर वन मंथ कहेंगे, हम उसको थ्री मंथ्स करा, वेरी गुड, ये तो फिर हो गया, कुछ नहीं होगा, अब निकाल देंगे आपके स्टिचेस, निकाल देंगे सब निकल गया करेक्ट। चलो फिर आप लोग कब निकल रहे हो यहाँ से? वेरी गुड, कल मैं नहीं आऊंगा, जा सकते हो आप, आज ही जा सकते हो, मिल जाएगा बस, ले ले जो वहाँ भी मिल जाएगा आपको कहीं पे भी ऑर्डिनरी ड्रॉप्स है तो ले चले जाओ यहाँ से। और सूजन के लिए भी एक टैबलेट है, नॉर्मली 10 दिन के लिए देते हैं, ले लीजिए, ले लो, कोई टेंशन नहीं, वो दवा एंजाइम है, वो भी ले लीजिए। चलो फिर बाय बाय, बाय बाय बाय, प्लेजर, टेक केयर मैम, नमस्कार।